नगर की शुरुआत करने के लिए आलिम के हाथ में गेंद दी जा रही है। आलिम अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला, टीम की ओर से और नंबर लेकर आएंगे कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर लेकर उनके सामने है। बल्लेबाजी करने के लिए वकील शेख, बहुत ही जाने माने क्रिकेटर। ओवर थ्रो होने के बाद दूसरा रन लेने की गुंजाइश की जा रही है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 14 रन। जस्ट शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट खेला, गोली की रफ्तार से जा रही है पॉइंट फील्डर के बाजू से, गेंद बॉर्डर के बाहर, 4 रन। इस बार फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बार अलीम की अगली गेंद वकील के लिए। और पिच मिली, इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में पहले टप्पे पर, या देखना अंपायर का इशारा, 4 रन आएंगे और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, टोटल स्कोर इस वक्त 23 की ओक पर। वकील ने फिर से और एक शानदार चौका लगा दिया, चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, टोटल स्कोर 28 रन। थोड़ी सी जस्ट शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिली, इस बार बैकफुट पर जाकर कट मारा जा रहा है, गेंद हवा में जरूर थी फील्डर के, दूर से गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 4 रन आगे बढ़ता बस स्कोर 33 की ओक पर। तूफानी बैटिंग चल रही है वहां पर, 33 रन। तो इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के बॉलिंग करेंगे रफीक शेख नानी। शॉर्ट गेंद आई, इस बार बैकफुट पर जाकर और एक बार गैप पे गेंद को मारा जा रहा, गेंद आएगी बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में, और वकील भाई बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मैच को जल्द फटाफट खत्म करना चाहते हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। अब मैच जीतने के लिए केवल 30 चाहिए, 30 रन की तलाश, तीसरा और अभी भी जारी है। 14 गेंदों में 33 बने हैं, 37 रन, माफ करना 15 गेंदों में 37 रन बने हैं। इस बार गेंद अफ्तन के बाहर चले गए, इस बार गेंद को ट्राई लगाया जाता है, गेंद आ रही है कवर क्षेत्र में, फील्डर है सामने, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रुका हुआ स्कोर 37 रन। असद टी10 EMPL क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके लिए पहले क्रमांक का इनाम साबिर भैया इनामदार, इनकी ओर से 21,000 रुपए। इस बार ये ओवर पिच मिली, लॉफ्ट स्ट्रोक लगाया जा रहा है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमारी का पार करेगी, 6 रन। और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 43 रन। बहुत ही दमदार बैटिंग चल रही है, बहुत कड़क बैटिंग चल रही है। फिर से रफी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की लगभग 5वीं गेंद लेकर, अफ्तन के बाहर आती गेंद मारने की कोशिश में एज लगा हुआ, फिर से विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, 4 रन आएंगे वहां पर, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 47-47 की ओक पर। अब मैच जीतने के लिए केवल 20 रन चाहिए, जीतने के लिए 20 रन। जोर रफ्तार से गेंद आई, बैकफुट पर चले गए, जोर से मारा जा रहा, गेंद आ रही है बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में, सिंगल आएगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर शायद 48 पे पहुंचा है। इस बार गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगाया जाता हुआ, गेंद आ रही है बिल्कुल सीमारी का पार करेगी, 6 रन। इस बार वकील की दमदार बैटिंग चल रही है, वकील आज कड़क बैटिंग कर रहा है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार खूबसूरती के साथ स्कोर कट लगा दिया और ये गेंद आ रही है बिल्कुल, स्कोर इक्वल हो रहा है। और
इसी के साथ ये मेरे ख्याल से मैच खत्म हो रहा है, इसी के साथ मैच जीत रही है टीम ने मैच जीता है। वहां पर असद वारियर्स ने इस मुकाबले को एक तरफे अंदाज में जीता है।